अभी तक ये सरकार, अप्रैल बीत गई, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई लगभग आधा बीत गया, लेकिन ये सरकार किताबें अभी तक बच्चों को दे नहीं पाई है। यदि सरकार के प्राथमिकता में पढ़ाई होती तो ये सरकार मार्च महीने में ही, जिस दिन 1 अप्रैल को विद्यालय में बच्चा आया उसी दिन बच्चे को किताब मिल जाती। लेकिन पढ़ाई तो है नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा यदि पढ़ लेगा तो गरीब का बच्चा सवाल करेगा, और ये सरकार सवाल सुनना पसंद नहीं करती है। ये तो एक प्रकार से, और मैं तो कहता हूँ सर, सरकार है ही नहीं, क्योंकि सरकार का काम है जनता की समस्या का समाधान करना, उसका जो समस्या है वो किस प्रकार से उसका निपटारा हो इसको देखना। लेकिन ये सरकार तो स्वयं ही समस्या को पैदा करती है सर। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी किताबों पे, कॉपी पे, पेंसिल, रबर, कटर, कलर पे टैक्स नहीं लगा, लेकिन ये सरकार ने, हमें तो लगता है अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज कोई ऐसा चीज नहीं है जिस पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है, चाहे वो आटा हो, चाहे चावल हो, वो तो भोजन की चीज है के साथ साथ पढ़ाई के चीज पे भी सरकार ने टैक्स लगाने का कार्य किया है। और इनके कैसे कैसे सिर्फ ये बीएससी आते हैं सर, कोई कांवड़ियों को सेवा करने के लिए आदेश जारी कर देता है, तरह तरह के, कोई पूरे कोरोना के समय में एक एक अध्यापकों की ड्यूटी लगवाया गया था, और ये सरकार कभी भी पढ़ाई को प्राथमिकता में नहीं रखती है। और अभी विद्यालय में डीबीटी का काम हो रहा है, ड्रेस पहले बच्चों को मिले, अरे ड्रेस बाद में भी मिल सकता है, पहले पढ़ाई जरूरी है। लेकिन पढ़ाई सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़े। और अभी आप सरकार हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में जिस प्रकार से तुगलकी आदेश जारी हुआ है कि सरकारी स्कूल में नाम लिखाओगे तो 500 रुपया दोगे, और प्राइवेट में लिखवाओगे तो 1100 रुपया दोगे, और बाद में जब बच्चा प्राइवेट में जाएगा, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या घटेगी, तो सरकार कहेगी कि ये सरकारी स्कूल की आवश्यकता नहीं है, और अपने दामाद अडानी अंबानी को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के सारे स्कूल को अडानी अंबानी को दे देगी। को मिल जाएगा, और फिर अडानी अंबानी मिलकर उसको निजीकरण करके उस विद्यालय को चलाने का कार्य करेंगे सर। अभी देखिए सर, सीतापुर में घटना घटती है, सीतापुर में खैराबाद ब्लॉक है, मैंने पहले भी इस बात को कहा, आज लगभग घटना हुए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीतापुर में एक हमारा अनुदेशक है अरुण कुमार पर, वहाँ की एक प्रधानाध्यापिका है, एक प्रधानाध्यापक है, उनकी वाइफ भी उसी विद्यालय में कार्यरत है, वो जब ऑफिस में खाना बैठते हैं तो कहती जाति सूचक शब्दों से उनको नवाजा जाता है हमारे अनुदेशक साथी को, और कहा जाता है कि तुम यहाँ भोजन नहीं करोगे। वो साथी हमारा विज्ञान लैब में जाकर वहाँ भोजन करना प्रारंभ करता है, वहाँ भी वो मैडम पहुंच जाती है और कहती है कि कुर्सी खाली करो, तुमको यहाँ भोजन नहीं करना है। भोजन का समय था, हमारे वो तीनों अनुदेशक वहीं पर नीचे चटाई पे बैठकर भोजन करने लगते हैं। फिर जब चटाई पे बैठ के भोजन करने लगते हैं, ठीक उसी समय वो महिला 2 बच्चों को लेकर आती है और नीचे झाड़ू लगवाने का कार्य प्रारंभ कर देती है। हमारा अनुदेशक कहता है कि मैडम अभी रुक जाइए, हम लोग भोजन कर लेंगे तब आप अपना झाड़ू लगवाइएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजती है और कहती है तुम तो है कहाँ भोजन नहीं करोगे। जबकि उस विद्यालय की जो शारीरिक शिक्षा की अनुदेशक है वो पूरे उत्तर प्रदेश में उसको महिला सशक्तिकरण के लिए अपने कार्यों के लिए उसको इनाम मिलता है, बीएसए के सम्मानित किया जाता है, डीएम के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन विद्यालय के अनुदेशकों के साथ ज्यादती किया जाता है, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती है, वो जहाँ भोजन करता है उसको वहाँ भोजन करने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश के विद्यालय में हो रहे हैं।
हमने लगातार हमने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया, वहाँ के बीएसओ को फोन किया, वहाँ के डीएम को फोन किया। हालांकि कल वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी गई थी, वहाँ पर वो रिपोर्ट लगाई है, लेकिन उन पे भी बहुत दबाव पड़ रहा है कि आप किसी प्रकार से इस मामले को खत्म कराइए। लेकिन हमने कहा है कि कोई जो आप बच्चों ने भी रिपोर्ट दिया है सर, बच्चों ने भी उस महिला पर अध्यापिका के खिलाफ रिपोर्ट दिया है कि वो महिला अध्यापिका बच्चों को भी बहुत परेशान करती है, बच्चों के साथ भी ज्यादती करती है। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश के विद्यालय में हो रहे हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, आप मिशन शक्ति की बात करते हो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहते हो। हम तो बार बार महिला अनुदेष्टों की समस्या को आपके चैनल के माध्यम से उठाने का कार्य करते हैं, लेकिन इस सरकार में महिला अनुदेष्टों को कभी भी इनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार महिलाओं की समस्या को उठाया, 100 बच्चों की समस्या को उठाया, ऑटो रिन्यूअल की समस्या को उठाया, ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या को उठाया, कम मानदेय की समस्या को उठाया, लेकिन सरकार किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो मदमत हाथी की तरह चली जा रही है सबको रौंदते हुए, और किसी के समस्या का समाधान इस सरकार को नहीं करना है, क्योंकि ये सरकार खुद समस्या को पैदा करती है, और समस्या को ये सरकार जब खुद पैदा करती है तो किस प्रकार से आप बताएं, जब सरकार खुद समस्या को पैदा करती है तो किस प्रकार से समस्या का समाधान करेगी। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के हालात है, अनुदेशकों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान है, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक शोषित है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक पर बार बार अत्याचार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी किसी भी समस्या का समाधान करना नहीं चाहती है। सर, हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से अनुदेशकों की समस्या को उठाने का कार्य करते हैं, और हम तो बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने हम अनुदेशकों की समस्या को लगातार एक मंच देने का कार्य किया, और आज आप लोगों की ही देन है, आदरणीय पिता तुल सुरेंद्र दुबे सर की देन है, आपकी देन है, स्पेशल कवरेज न्यूज की देन है कि आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक किस प्रकार से अपने क्रियाकलापों को देख रहा है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के समस्या का समाधान यह सरकार नहीं करना चाहती है।